हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज संडे है, हैव ए नाइस संडे, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज मैं आई हूं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर, और मैं चाहती हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जिनके बच्चे भी दोस्तों बाहर पढ़ते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ के देखिएगा, सोच के देखिएगा, और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक क्राइम है जो मेरी चाइल्डहुड दोस्त के साथ हुआ है, मेरी बचपन की दोस्त के साथ हुआ है, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि उसके संग ये स्कैम हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है दोस्तों, धोखाधड़ी, और बहुत तरह से लोग किसी न किसी जरिए से लोग किसी से पैसा ले ले रहे हैं, बैंक से पैसा निकलवा ले रहे हैं। तो ये एक नया तरीका इन लोगों ने निकाला है पैसा निकलवाने का, जिसके जिसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं उसको इस तरह परेशान करके, इस तरह उनसे बच्चे की आवाज़ सुनाकर उनसे पैसा लेने का, और ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो बहुत दूर तक जाए, ताकि ये सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर कदम उठाए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहती हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है। मेरी फ्रेंड का नाम है वंदना सिंह, और ये प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, और इनका एक ही बेटा एक ही बेटी है। एक बेटा है इनका जो अभी अभी इंजीनियरिंग करने दिल्ली नोएडा में गया है, नोएडा कॉलेज में पढ़ता है, अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनत से उसने अपना कॉलेज ज्वाइन किया है, पढ़ रहा है, और उनके साथ ये स्कैम हुआ है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनें। तो जैसा कि दोस्तों आपने ये रिकॉर्डिंग सुना, ये रिकॉर्डिंग तो उसने कहीं से निकाला है, क्योंकि किसी और के संग हुआ है, उसने मीडिया पे डाला है। तो उसने जब ये फ़ोटो देखा, ये नंबर देखा, ये वीडियो देखा, तो उसने तुरंत ये जो है रिकॉर्ड मेरी फ्रेंड ने कर लिया और मुझे भेजा। जो आप ये नंबर देख रहे हैं दोस्तों, इस नंबर में आप देखेंगे तो मुझे अभी बेटे से पता चला है कि ये जो 92 का नंबर होता है दोस्तों, ये पाकिस्तान का नंबर होता है। हमारे यहाँ का जो नंबर है वो 91 से शुरू होता है। अगर 92 छोड़ भी देते हैं तो इसमें 34 करके 349 करके एक नंबर आगे शो कर रहा है, जो कि हमारे यहाँ 3 से नंबर शुरू नहीं होता, हमारे यहाँ 6 से नंबर शुरू होता है। तो ये सबके लिए जानना ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे भी हम लोग को ये चीज़ें नहीं बताते हैं। मैं तो समझती हूँ कि बच्चों को भी अपने माँ बाप को इस सब चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो आप अपने माँ बाप को ये चीज़ बताइए, हम लोग को नहीं मालूम है, और इस तरह हमें कोई लूट कर चला जाता है। तो दोस्तों सुबह सुबह की बात है, मेरी फ्रेंड जो है वो अपने स्कूल में थी, वहाँ उसको व्हाट्सअप कॉल आता है, और वो क्योंकि इस समय जो है एडमिशन वगैरह हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंस में थी, बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसी बीच उसको कॉल आता है इस तरह का, यही बंदा बोलता है, इसी नंबर से बोलता है, और यहाँ पुलिस का एक फ़ोटो शो कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पुलिस का एक फ़ोटो भी शो कर रहा है नीचे। तो जब उसने ये देखा ना, तो उसको यकीन हो गया कि शायद सही में ये पुलिस
इसका ही नंबर है। और उसके बाद उन्होंने ठीक इसी तरह, जैसे ये जेंस से बात कर रहे हैं, ठीक इसी तरह मेरी फ्रेंड से इन्होंने बात किया और बोला कि आपका बेटा ऐसे ऐसे क्राइम में फंस गया है, उसने ये किया है वो किया है, और अगर आप चाहती हैं कि उसका करियर बचा रहे, अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सही से रहे और जेल ना जाए, उसका करियर नहीं बर्बाद हो, तो जल्दी से आप मेरे अकाउंट में पैसा डालिए। तो दोस्तों क्या है ना कि एक सेकंड के लिए, और उसने ये आवाज़ भी सुनाई जो बच्चे की आवाज़ आपने इसमें सुनी है, वही आवाज़ उससे उसने उन्होंने मेरी फ्रेंड को भी सुनाई। तो एक सेकंड के लिए तो ऐसे ही लगा कि सही में, मुझे तो लगा कि मेरा बेटा रो रहा है, उसको लगा उसका बेटा रो रहा है। देखिए क्या है ना, हम लोग माँ की तरह से सोच रहे हैं, तो माँ जब सोचेगी तो उसको लगेगा अरे ये मेरी बेटी के संग क्या हो गया। तो उसका बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं किया, वो बोली कि ऐसे कैसे, तो बोलने लगा कि मेरे अकाउंट में जल्दी से पैसा डालिए। चार नंबर उसने बहुत जल्दी जल्दी दिया है, मतलब मेरी फ्रेंड को। मैं ये भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कोई सीमा जी करके हैं इसमें, पता नहीं, ये देखिए सीमा करके हैं, इनके अकाउंट का नंबर भी उसने दिया यहाँ पर पैसा डालने के लिए। और ये देखिए बार बार उसने ये नंबर दिया है कि इस पे आप जल्दी से पैसा डालिए, इस पे आप जल्दी से पैसा डालिए, नहीं डालेंगी तो आपके बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए, ये इस तरह के इंस्पेक्टर का फ़ोटो था और ये नंबर था जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये शो कर रहा है। ये देखिए मैं दूर से दिखा देती हूँ, ये नंबर था और ये इंस्पेक्टर का फ़ोटो बना हुआ है। तो दोस्तों कैसे ना कोई यकीन करे। उसके बाद इसने जो है तीन चार नंबर मेरी सहेली को लिखवाया जल्दी जल्दी कि मतलब इस नंबर पे आप हमको पेमेंट भेजिए और जल्दी भेजिए, देर मत करिए। ये बोलने लगी कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड से बात तो करने दीजिए और एक बार बेटे का आवाज़ फिर से सुनाइए। तो उसने बेटे का आवाज़ भी नहीं सुनाया और मेरी फ्रेंड से यही कहा कि आप समय बर्बाद कर रही हैं, अगर आप जल्दी से जल्दी पैसा नहीं भेजेंगी तो आपके बच्चे के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरी फ्रेंड का दिमाग काम नहीं किया, उसके अकाउंट में वो बोली कि अकाउंट में इस समय 1500 रुपया है, तो वो कहने लगा ठीक है आप जल्दी से मुझे 1500 ही भेज दीजिए। जब ये सब हो रहा था तो सामने उसके प्रिंसिपल सर बैठे थे, जिनका थोड़ा सा दिमाग काम किया, उन्होंने इशारे से पूछा कि क्या बात है। तो इसने इशारे से ही अपने सर को कुछ बातें बताई और कहा कि जल्दी से आप मेरे हस्बैंड को फ़ोन करिए। तो जल्दी से उधर से उनके हस्बैंड को फ़ोन किया गया, हस्बैंड ने तुरंत बेटे को फ़ोन किया, बेटे पता चला कि बेटा क्लास में आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तब तक मेरी फ्रेंड 1500 रुपया भेज चुकी थी, क्योंकि ये इतना डर गई थी ना कि इसको समझ भी नहीं आ रहा था, और पैसा ये कलेक्ट कर रही थी कि मैं किससे लूँ कहाँ से लूँ। फिर उसके, क्योंकि ये बता रही है कि उस समय तक उसको मतलब उस जेंट्स ने इसको कहीं फ़ोन भी नहीं करने दिया। इसने बहुत कोशिश किया कि बेटे को फ़ोन करें, हस्बैंड को फ़ोन करें, पर उस जेंट्स ने इसको कहीं फ़ोन नहीं करने दिया। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं एक दो लोग से और भी सुन चुकी थी, पर जब ये अपने साथ होता है ना तब इसकी असलियत पता चलती है। तो मैं कहूँगी अवेयर रहिए आप लोग, जिसके जिसके बच्चे बाहर हैं, बच्चा तो मेरा भी बाहर है और मैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गई हूँ उसके प्रति। बल्कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम दो फ़ोन रख लो तुरंत के तुरंत। वैसे ही एक फ़ोन नंबर वाला जो आता है ना वो हम लोग के पास होना ही चाहिए, छोटा वाला जो जियो का नंबर वाला आता है, ताकि हम दूसरे नंबर से तुरंत अपने बेटे को फ़ोन मिला सके। ये हैंग कर लिया था फ़ोन की, क्या किया था कि मेरी दोस्त ना फ़ोन कर ही नहीं पा रही थी। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, छोटा मोटा क्राइम है नहीं। तो जिसके जिसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो अपने को बहुत अचेत कर ले, तैयार कर ले, क्योंकि आज इसके संग हुआ है, कल आपके संग हो सकता है, परसों मेरे साथ भी हो सकता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इससे सबको आगाह करें और होशियार कर दें। एक स्कैम और चल रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। होता क्या है कि 10 बजे के बाद अगर आपके पास कोई भी वीडियो कॉल आता है, चाहे वो फेसबुक पर हो चाहे वो व्हाट्सअप पर हो, तो प्लीज़ प्लीज़ उसको नहीं उठाइए, क्योंकि वो भी स्कैम है एक तरह का। वो आपको कॉल करेगा, आप खोजती रह जाएंगी कि अरे वीडियो में कोई दिख नहीं रहा है, इतनी देर में वो आपका पिक ले लेगा, उसके बाद गंदे तरीके से उस पिक को यूज करेगा, कहीं पर भी किसी के साथ जेंस के संग इन्वॉल्व करके आपको बदनाम करने के लिए करेगा, उसके बाद आपसे पैसा मांगा जाएगा। अगर आप पैसा नहीं दोगी तो फिर वो आपको तरह तरह से परेशान करेगा। अगर आप एक बार पैसा दे भी दोगी तो फिर कहेगा कि अगले हफ्ते फिर चाहिए, तो फिर चाहिए, तो फिर चाहिए, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोग से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगी कि जो मेरी
मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, वो तो उसको तो सिर्फ 1500 का ही चूना लगा, अगर उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहता तो शायद वो बच्चे के लिए वो भी भेज देती। बाद में उसको लोग बहुत डांट रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि उसने जो किया वो माँ के तरीके से किया, माँ की तरीके से सोच के किया। वो उसका बच्चा बाहर रहता है, किसी का बच्चा भी जब बाहर रहता है और अपने बच्चे के रोने की आवाज़ कोई सुनता है ना, तो शायद दूसरे का रोता हुआ बच्चा भी अपना बच्चा लगने लगता है दोस्तों। तो इसीलिए उसने ऐसा किया। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरी फ्रेंड के ऊपर कि उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं था, 1500 ही था, तो उसने 1500 ही भेजा। उसके बाद ये जो सीमा नाम की महिला है, इसको उसने दूसरे नंबर से कॉल किया तो वो बहुत अनजान बनने लगी कि अरे क्या हुआ आपके साथ, ऐसे कैसे हो गया, मैम ठीक है, कहाँ आपका पैसा गया है, मैं दिलवाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे कैसे हो गया मैम, मेरे पास पैसा नहीं आया है। मतलब ये लोग मिल के एक ग्रुप बना के ये सब हरकतें कर रहे हैं, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अवेयर रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। और अगर इस तरह का स्कैम आपके संग होता है तो ये मत सोचिए कि मैं किसी को कैसे बताऊँ, मैंने बेवकूफ़ी कर दिया, मैंने पैसा दे दिया। बहुत लोग इसलिए भी किसी को बताते नहीं हैं कि अरे मैंने तो बेवकूफ़ी कर दिया, मैंने तो उसको पैसा दे दिया, किसी को बताऊँगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं, यहाँ ये बिल्कुल मत सोचिए मैडम कि आपका हंसी उड़ाया जाएगा। यहाँ ये सोचिए कि आपके ये छोटे से बात कह देने से अगला जो है वो थोड़ा समझदार हो जाएगा, थोड़ा सावधान हो जाएगा, तो कम से कम उसके संग ये नहीं होगा। एक बार फिर से आप सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी फ्रेंड के संग जो हुआ वो आपके साथ ना हो। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिनके बच्चे भी बाहर रहते हैं वो अपने बच्चों को के प्रति सावधान हो जाएं। और इस तरह का जब भी फ़ोन आए तो बस उनको किस तरह से बात करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत उनका नंबर ले लीजिए। और आजकल तो 2-3 नंबर ऐसा भी आता है दोस्तों जिसपे कि आप तुरंत क्राइम ब्रांच में फ़ोन करके इसकी सूचना, इनका नंबर उनको दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास 2 फ़ोन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी एक फ़ोन से बात करेंगे तो वो आपको कभी भी दूसरा फ़ोन मिलाने नहीं देगा, जैसा कि वो मेरी सहेली को मिलाने नहीं दिया। तो प्लीज़ प्लीज़ जो वंदना के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और आभार चाहती हूँ, आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय प्रभु राम।